कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं और चेहरे की मुस्कान और ये माथे पे लगा तिलक कुछ कह रहा है, अंदाज़ा लगा लीजिए। कुलदीप जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, लग रहा है कि जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मेरी आदमपुर की साथियों ने मेरे को दिया है और 5 राउंड में 16,000 के आसपास मैं आगे हूँ और जितना भी आभारी मैं मेरे वोटरों का, मेरे कार्यकर्ता का रहूँ, उतना कम है। क्या ये जनता का वो आशीर्वाद है जो लगातार पिछले 52 साल से मिलता रहा था, अभी भी जनता उतना ही प्यार दे रही है? बिल्कुल, उसका कारण है हमने काम किए हैं। चौधरी भजनलाल जी ने बहुत ज़्यादा काम किए, मैंने थोड़े किए पर किए। उसके अलावा किसी भी सरकार रही, हमारे लगातार भेदभाव हुआ तो लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा हमारे साथ है, पारिवारिक की तरह, और हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं आदमपुर में, क्योंकि विकास किया हम लोगों ने। एक चेहरा ऐसा आपके सामने था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, टीवी पे कहें, फ़ोन पे कहें, सोशल मीडिया पे कहें, चुनौती उन्होंने बहुत तगड़ी दी आपको। आपको दिख रहा है 5 राउंड में 16,000 से कोई चुनौती कहाँ दिख रही है आपको? कोई चुनौती नहीं थी, कोई अच्छा नहीं था। अगर कदावर भेजते चुनाव लड़ने का मज़ा आता, लेकिन सोनाली जी को मेरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अच्छा, भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि अभी ही मतलब वो जमीन स्तर पर अभी नेता नहीं बनी है? नहीं, अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेता बनने में लोगों का दिल जीतना पड़ता है, जो 50-52 साल से हम लगातार जीतते आ रहे हैं। कुलदीप जी, पूरा अगर हरियाणा की बात करूँ तो ट्रेंड सामने आ रहे हैं कि जो फाइट है वो नेक टू नेक चल रही है बीजेपी कांग्रेस में। क्या लगता है कि कहाँ इस बार पड़ रहा भारी पड़ेगा, कांग्रेस पर जाएगी जनता या बीजेपी भी दोबारा सरकार बनाएगी? देखिए, कांग्रेस 100% सरकार बनाएगी और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर सबसे अपरिपिक्त और सबसे फेल चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। और ऐसा आपको लगता है? क्योंकि विकास नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, काम कुछ किया नहीं है और मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते रहते हैं। खुद के नाम पे मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए कि मैंने इतने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मैंने इतने कॉलेजेस खोले, या मैंने इतना पानी स्वच्छ जल का लेके आया। वो कुछ बोलते नहीं, कुछ किया ही नहीं 5 साल में। क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा में जाते हैं और हमारा